देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में चल रही अंदरूनी लड़ाई पर सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। विवाद के बीच छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी की गोपनीय रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आलोक वर्मा को क्लीन चिट नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ और जांच की जरूरत है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए आलोक वर्मा से जवाब मांगा है। सोमवार तक उन्हें जवाब देने का वक्त मिला है। आलोक वर्मा के वकील की मांग पर सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी रिपोर्ट की कॉपी उन्हें दी। इतना ही नहीं, वर्मा से भी सीलबंद लिफाफे में ही जवाब देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि सीवीसी रिपोर्ट पर वर्मा के जवाब देने के बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। मिस्टर आलोक वर्मा के जो काउंसिल है उनको सील्ड कवर एक दी जा रही है, जो सीवीसी की रिपोर्ट है उसको सील कवर दी जा रही है। वो मंडे तक अपना जवाब दाखिल करेंगे। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो उसको स्वीकार करते हैं नहीं स्वीकार करते हैं, वो मंडे को जवाब दाखिल करेंगे। सीवीसी की एक कॉपी अटॉर्नी जनरल को और एक कॉपी सॉलिसिटर जनरल को भी दी गई है और उनसे ये कहा गया है कि इसको आप किसी को शेयर नहीं करेंगे। अल्टीमेटली इस पूरी जो रिपोर्ट है उसकी तीन ही कॉपी दी गई है, एक मिस्टर फाली नरीमन को जो आलोक वर्मा के वकील हैं, एक अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, एक सॉलिसिटर जनरल को। ये तीनों लोग अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। मिस्टर फाली नरीमन मंडे तक इसका जवाब दाखिल करेंगे और मंगलवार को इसमें दोबारा सुनवाई होगी। कोई क्लीन चिट नहीं मिली है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियर करके बोला, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आउटराइट किया सकता है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गंभीर हैं। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। सोमवार को 1 बजे तक मिस्टर फाली नरीमन जो कि आलोक वर्मा के वकील हैं वो अपनी रिपोर्ट 1 बजे तक सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये रिपोर्ट श्री आलोक वर्मा को दी जाएगी सील्ड कवर में और सरकार को भी दी जाएगी, और श्री आलोक वर्मा उस रिपोर्ट के जवाब में जो कहना चाहें कह सकते हैं, और उनके काउंसिल ने बोला कि सोमवार तक वो अपना जवाब दे देंगे और उसके बाद ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को इस केस की आगे सुनवाई होगी। राकेश अस्थाना ने भी रिपोर्ट की कॉपी मांगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो देने से मना कर दिया। तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा का बचाव किया है। स्वामी ने उनके साथ नाइंसाफी होने की बात कही है, साथ ही कोर्ट का रुख स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को लेकर कड़ा दिखा ये कह रहे हैं। वो कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को इंक्वायरी रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। आलोक वर्मा को मैं जानता हूँ और वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, तब से जानता हूँ और उसके कामकाज से हम बहुत संतुष्ट थे। वो किसी के दबाव में नहीं आए और सीबीआई डायरेक्टर के रूप में भी उन्होंने बहुत कुछ किया, अच्छा काम किया। उसको किसी तरीके से हटाने की बहुत प्रयास हुई, तो मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय देगा और उनकी आखिरी दौर पर उनके करियर में ये ढपा लगने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त नहीं देगी। Now he has every right to press forward his arguments before the Honorable Supreme Court, but court said that at this juncture it is not necessary to provide him with a copy and that